अमर्त्या मरेगा? सवाल ये नहीं कि अमर्त्या मरेगा, सवाल ये कि 10 करोड़ का मैं करूंगा क्या। उस चूहे को बोलो बिल से बाहर निकलने को। I am Pankaj. So guys, today we are going to give a reaction on Mumbai Saga official trailer. Wow. So guys, few days back only we have given a reaction on teaser. Yes. And now they have launched the official trailer of the movie. Yes. And in this movie is going to release on 19th March. Yes. And 2021. And this movie has actor talk about John Abraham, Sunil Shetty, Imran Hasmi, and Kajal actress Agarwal. Is Kajal Agarwal. And directed by Sanjay Gupta. Amazing, amazing. Yes. So guys, I think 2 days back, only 2-3 days back, yes, they have released. Now it's a trailer. Definitely, yes, we will see and will give our reaction on this. Definitely. So guys, before starting this video, I would like to request, if you're new on our channel, do subscribe and hit the notification bell. Also follow us on Instagram and Facebook. So guys, let's get started. ये जॉन है। इसकी मूवी का वैसे मतलब उसे मिलेगा, उसको 100% एक्टिंग मिलती है। अर्जुन को जो हुआ उसके बाद अब अमर को कोई नहीं रोक सकता। मेरी गोली से बचने के लिए तुझे बार बार कोशिश बनाना पड़ेगा, पर मुझे सिर्फ एक बार। मैंने देखो यार, मुझे बस एक बार है। मुझे एक बार मेहमान होती है, या मेरे हिस्से के मौका में है। अभी एक मौका बाकी है। वाह, दिस इज सो अमेजिंग ऑफिशियल ट्रेलर। लाइक आफ्टर लॉन्ग टाइम आई हैव सीन अ बॉलीवुड ऑसम ट्रेलर एंड ऑसम अपकमिंग मूवी। यस, और जिस तरह से फुल डायलॉग दिख रहा है मूवी में, फुल डायलॉग के साथ फाइट सीन, वाओ, डेफिनेटली मूवी अमेजिंग। लाइक इसमें हमें देखने को मिलेगा जॉन अब्राहम और इमरान हाशमी की टक्कर, मतलब दो। और जिस तरह से जब टीजर में दिखाया गया था कि एक नेगेटिव किरदार में जॉन होंगे, लेकिन वो नेगेटिव में लग नहीं रहा, लेकिन
जिस तरह दिखाया गया इस ट्रेलर में कि लोग बागों से हफ्ता मांगा जा रहा है, हैं, तो उसका वो विरोध करते हैं, विरोध करते हैं, हो सकता है उनके भाई से भी हफ्ता मांगा होगा, कोई हफ्ता नहीं देगा। उसके बाद जो उन्होंने कुटाई चालू करी है, अमेजिंग यार, वो डायलॉग भी मुझे बहुत पसंद आया। बंदूक तो मैं शौक के लिए रखता हूँ, मतलब इसमें वो भी डायलॉग था, एस करना नहीं चाहता, डराने के लिए तो नाम ही काफी है, अमेजिंग डायलॉग। और एक उसको ही बोलता है, बुलेट प्रूफ तेरी कार है पर तू बुलेट प्रूफ नहीं है, मतलब फुल डायलॉग है, अमेजिंग, जबरदस्त। बट हियर अगेन यार, जो काजल अग्रवाल का जो कुछ सीन बहुत छोटा थोड़ा सा दिखाया है, शादीशुदा ने मंगलसूत्र लगा के, बस बहुत छोटा सा दिखाया है। यस, और किसके साथ थी शायद वो जॉन के साथ, मतलब उनका बहुत छोटा सा एक क्लिप ही दिखाया। और सुनील शेट्टी के बारे में भी बहुत कम बताया, मुझे क्या लग रहा है जो हफ्ता वसूली वाला काम है ना वो सुनील शेट्टी करवा रहा है, हो सकता है, और उसके अगेंस्ट में अपना ये जॉन खड़ा हुआ है। उसके बाद ये है कि, और फिर एक जॉन अमर्त्या नाम है शायद इसमें उनका, और जो इमरान हाशमी है वो उनको चेस कर रहा है एक्चुअली, मतलब। और वो डायलॉग भी था ना, वो बंदूक की गोली, मुझे एक मौका चाहिए और तुम्हें, अमेजिंग डायलॉग था यार वो, मतलब बहुत ही काफी एनर्जेटिक। और इसमें आई थिंक थोड़ा सा कुछ पॉलिटिकल ट्विस्ट भी हमें देखने को मिलेगा, ये भी है। और साथ ही साथ मुझे ऐसा लग रहा है 19 मार्च को आने वाली है, हम तो डेफिनेटली देखेंगे यार, डेफिनेटली, अमेजिंग। अगर ये ओटीटी पे रिलीज होगा, ओटीटी पे तो अभी नहीं रिलीज होगा, आई थिंक ये थिएटर पे रिलीज होगा, क्योंकि टी सीरीज के अंडर आ रही है, तो ये थिएटर पे रिलीज होगी, ओटीटी में बाद में रिलीज होगी। वेल, देख के तो ऐसा लगा कि देखना बनता है यार, इतने समय के बाद मुझे जो बॉलीवुड की धमाकेदार मूवी देखने को मिलेगी वो ये मिलेगी। और वो भी क्यों ना यार, बॉलीवुड की अभी कोई अच्छी मूवी आई भी नहीं है, और जॉन की और इमरान हाशमी की ये लोग बहुत कम मूवीज लेकर आते हैं एक्चुअली, साल में एक आध मूवीज लेकर आते हैं। जॉन की आई थिंक मैंने फोर्स टू हम लोगों ने देखी होगी, उसके बाद अभी तक कोई मूवी, हाँ वो वाली, हाँ वो तो हो गया, उसको टाइम हो गया ना काफी, तो उसके बाद मतलब उसकी मूवीज हम लोगों ने देखी नहीं है। और इमरान हाशमी की तो मुझे पता नहीं मैंने कब मूवी देखी थी लास्ट, तो बहुत कम सिलेक्टेड मूवीज लेकर आते हैं लोग, लेकिन अमेजिंग होती, और दो ढांसू कैरेक्टर इसमें, तो डेफिनेटली हम तो देखने वाले हैं, डेफिनेटली वी विल सी दिस मूवी एंड वी विल गिव रिएक्शंस ऑन सम ऑफ द फाइटिंग सीन्स एक्चुअली, यस, अमेजिंग। So guys, this is our reaction on this official teaser of Mumbai Saga. How did you feel about it? Let us know in the comment box. And if you're new in our channel, don't think, do subscribe and hit the bell icon. So guys, we'll see you in the next video. Till then, bye-bye. Bye-bye.